स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल का एरिया निकालना है। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस हमें यहाँ पर गिवन है 17.6, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, मतलब रेडियस मिल जाएगा। और जैसे हमें रेडियस मिल जाता है हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस की जरूरत होती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है आपको। देखो तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है कितना, 17.6। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है कितना है बच्चों, 17.6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है सर्कमफ्रेंस LHS है और ये RHS है। तो सर्कमफ्रेंस के नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अच्छा तो दैट इम्प्लाइज, देखिए आप यहाँ पे लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2πr लिखेंगे। तो 2πr इक्वल टू कितना हो गया, 17.6 सेंटीमीटर। तो हमें r का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रहा, आपको इसको एक्सपांड करो, 2 × 22/7 × ये रहा हमारा r इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 2 और 22/7 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो आर यहाँ पर सिर्फ अकेला रह जाता है। तो 17.6 के साथ हम क्या करेंगे, 2 जब RHS की तरफ आएगा तो हमें पता है रेसिप्रोकल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 22/7 जब RHS की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो ये r इक्वल टू, जिसको सॉल्व करो क्या होगा, तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हमें r मिलता है हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, कितना आंसर निकलेगा मुझे बताओ। यहाँ पर 17.6 जो है इसको हम फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 17.6 को हम लिख सकते हैं 176/10 × 1/2 × 7/22। तो अब देखो यहाँ पर कोई कैंसिल हो रहा है, चेक करते हैं। चलो कैंसिल करो, करके देखो कौन सा हो रहा है कैंसिल। लोएस्ट टर्म करना है यहाँ पर, करो लोएस्ट टर्म। ये रहा आपका, ये डायरेक्टली आई थिंक कट जाएगा 22 से, 22 × 1 = 22। ये रहा आपका यहाँ पर कट जाएगा कितना, 8 से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली कट जाएगा। अब रहा नीचे, यहाँ पर आपका रहा, यहाँ देखो ये 10 है नीचे, ऊपर 8 है, कट जाएगा यहाँ। आप इसको मत काटो, इससे काट दो, ये 1 जा गया, ये कितना हुआ आपका 4, ठीक है। और भी कटेगा बट मैं इसको यहाँ पर काट नहीं रहा हूँ, इसको वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। इसको चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पूरा लोएस्ट टर्म कर ही दो, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो काट दो, लोएस्ट टर्म कर ही देते हैं पूरा इसको। ऊपर 4 है नीचे 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 5 हो जाएगा, कितना हुआ 14। 2 ऊपर क्या बचा है, 2 और 7, नीचे 5 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 14/5। तो 2 × 7 = 14, 14/5। तो ये रहा हमारा रेडियस, ठीक है। अच्छा तो ये रहा हमारा रेडियस, जैसे रेडियस हमारा निकल गया तो हमें एरिया बोला है निकालने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिखो, आर कितना है हमारा 14/5 है आर हमारा, तो 14/5 का स्क्वायर, 14/5 का क्या स्क्वायर, तो 14/5 का स्क्वायर कितना होता है, 22/7 होगा ये, 14/5 को हम लिख देंगे 14/5 × 14/5। अब चलो इसको सॉल्व करो, इसको हम काटते हैं, चलो इसको काटो। अब काटने का कार्यक्रम करो, यहाँ पर 7 हो गया, ये रहा आपका 2, ठीक है। और क्या कटेगा यहाँ पर देख सकते हो, और क्या यहाँ पर कट सकता है, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, और कुछ बाकी है क्या यहाँ पर कटने के लिए, आप देख लो। यहाँ पर हमारा R का वैल्यू तो निकला 14/5, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ओके है 14/5, या 14/5 को दो बार मल्टीप्लाई करना है 14/5 × 14/5, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, चलो और कुछ कट नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचा ऊपर, 22 बचा ऊपर, और 2 बचा, और एक 14 बचा है, ठीक है, इतने ही बचा ऊपर, और नीचे हमारा 5 × 5 बचा है, तो इसको यहाँ पर लिख दो,
तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 44। 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 5.5 25 के साथ। चलो इसको देखो कितना होता है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल याद तब कर सकते हो, देखो क्या होगा। 14 × 4 कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो 56 का यहाँ रहा 6, कैरी कितना हुआ 5। आप ऐसे अगर 14 का टेबल अगर आपका याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 14 × 4 हमारा होता है 56, 6 कैरी 5 रहा है हमारा, फिर 14 × 4 56, 56 और जो कैरी 5 था कितना हुआ 61, 616 डिवाइड बाय 25, ठीक है। इतना क्या था हमारा, सेंटीमीटर था ना, आई थिंक ये रेडियस हमारा सेंटीमीटर, तो ये जो यहाँ पर निकला सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि हमें पता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में करके आप यहाँ पर लिखते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल जितना है सब सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू हो गया ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर निकलता है। 25 का टेबल आपको याद ही होगा, 25 × 2 3 करेंगे तो ज़्यादा, 2 2 डालो यहाँ पर, कितना हो गया 50 हो गया, जो 50 हो गया हमारा, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 116। करके देख लेते हैं यहाँ पर, मन में करेंगे फिर से गलत हो जाएगा। चलो 25 का टेबल यहाँ पर ऐसे लिख दो, 2 कितना हो गया 50 हो गया, देखो कितना बचेगा यहाँ पर 116, ठीक है। अब 4 करते हैं तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, माइनस करने से 16 होता है, फिर पॉइंट डालो यहाँ पर 60 हो जाए, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करना है, कितना से जाएगा ये, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 25 × 6 करते हैं। 25 × 6 कितना होता है बताओ, 150 नियरेस्ट होगा। क्या बचा 10, पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, 100 हो गया। तो 25 × 4 होता है आपका 100, ठीक है। तो 100 माइनस कर दो, यहाँ पर हो गया, जगह नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया डिवीजन, थोड़ा माइनस कर लो, 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा, 24.64 आंसर निकले, 24.64 ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा टेबल, 25 तक टेबल याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 25 मिनिमम 25 तक टेबल तो याद रखना ही चाहिए आपको। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक नहीं देखे हो जाके देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके चलो बाय।